बलरामपुर सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग के बनकटवा रेंज अंतर्गत धर्मपुर गांव के पास एक युवक बबलू शुक्ला 36 वर्ष पुत्र केशव राम शुक्ला अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी गांव के पश्चिम दिशा में गेहूं के खेत में घात लगाए बैठा तेंदुआ हमला कर देता है, जिससे बबलू शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर परिजनों ने घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल बलरामपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने बलरामपुर से बहराइच अस्पताल ले गए, जहां घायल का इलाज जारी है। वहीं घटनास्थल पर गांव के लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ गेहूं के खेत में छिप गया। सूचना पर वन विभाग की वल्ललिया थाना प्रभारी जय हरि मिश्रा दल बल के साथ पहुंचे और उपस्थित लोगों को घटनास्थल से हटने को कहा। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ने के लिए कोई बकायत नहीं की, केवल सभी लोगों को घटनास्थल से हट जाने के लिए कहा। ग्राम प्रधान वीरेंद्र शुक्ला ने वन विभाग की टीम से कहा कि तेंदुए को पकड़वाया जाए। और बाघ 300 सुबह आए थे 8 बजे। हाँ। 8 बजे से अभी तक किसी ने कोई व्यवस्था नहीं किया है। हाँ। हाँ। चेहरा 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 दिखाकर चले जाते हैं, जो आदमी के ऊपर अटैक कर चुका था। किसको किसको अटैक किया है? एक सच्चिदानंद शुक्ला सराब किशोराम और एक है रामफेरे चिंतामन शुक्ला। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया? हाँ, यशो आए वो भी चले गए, रंजन आए वो भी चले गए, दूसरे फायर डिगार का डंडा लिया खड़ा है। 26 मार्च 2023 को थाना ललिया के लक्ष्मणपुर धर्मपुर गांव के पास लगभग 8:30 बजे गेहूं के खेत में तेंदुओं के द्वारा दो व्यक्तियों पर हमला किया गया। उस हमले में बबलू शुक्ला और राम फेरर को चोटें लगी। बबलू शुक्ला को चिकित्सा के लिए बहराइच रेफर कर दिया गया है। राम फेरन का प्राथमिक इलाज करके घर घर चले गए हैं। इस सूचना के बाद तुरंत पुलिस की टीम और वन विभाग की टीमें वहां पर पहुंची हैं और तेंदुओं को पकड़ने की कार्रवाई जारी है। मौके पर शांति है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।